इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। बात होगी विराट कोहली और रोहित शर्मा की। बात इन दोनों खिलाड़ियों की इसलिए क्योंकि हाल फिलहाल में ये काफ़ी विवाद का मुद्दा रहा है कि क्या इन दोनों खिलाड़ियों के बीच सब कुछ ठीक ठाक है। अक्सर इसको लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा हुई है, सुर्खियां इस खबर ने बटोरी है कि इन दोनों खिलाड़ियों के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, मनमुटाव है। लेकिन बतौर ओपनर रोहित शर्मा ने ओपनिंग का टेस्ट पास किया, साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार पारी खेली, 176 रन की 244 गेंदों का सामना किया, 23 चौके लगाए, 6 छक्के लगाए, 72.13 के स्ट्राइक रेट यानी 72 के स्ट्राइक रेट से ज़्यादा बल्लेबाजी की है। और इसके बाद जब पारी समाप्त करके वो ड्रेसिंग रूम लौट रहे थे तो विराट कोहली ने कुछ ऐसा जेस्चर दिखाया जिस जेस्चर को देखने के बाद क्रिकेट प्रशंसक खुश हो गए। उस जेस्चर को देखने के बाद सबने तालियां बजाई। उस जेस्चर को देखने के बाद ये इन खबरों पर अब धूल बैठती दिखाई दी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच मनमुटाव है या फिर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। उन तस्वीरों ने इस बात को साबित कर दिया कि ड्रेसिंग रूम का माहौल बेहतर है, शानदार है, टीम एकजुट होकर खेल रही है। दरअसल जब रोहित शर्मा अपनी पारी के बाद वापस ड्रेसिंग रूम लौट रहे थे तो वहाँ पर विराट कोहली उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। ना सिर्फ उन्होंने ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खोला बल्कि दरवाज़ा बंद किया। रोहित शर्मा की पीठ पर उन्होंने हाथ भी थपथपाया, शाबाशी भी दी। रवि शास्त्री भी वहां पर खड़े थे, रवि शास्त्री ने भी शाबाशी दी। जाहिर सी बात है इन तस्वीरों ने, या यूं कहिए कि इन सुखद तस्वीरों ने क्रिकेट प्रशंसकों के चेहरों पर मुस्कान ला दी। वो खुश हो गए क्योंकि अब उन्हें यह लगने लगा कि इन दोनों खिलाड़ियों के बीच सब कुछ ठीक ठाक है। बड़ी बात है कि रोहित शर्मा अपनी पारी को खत्म करके वापस आ रहे हैं। इससे पहले आपको बताएं कि रोहित शर्मा का ये चौथा टेस्ट शतक, इससे पहले वो जब भी टेस्ट मैचों में बल्लेबाजी करने के लिए उतरे तो मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने उठते थे। हाल फिलहाल में केएल राहुल की नाकामी के बाद टीम मैनेजमेंट की ओर से ये भरोसा जताया गया कि अब रोहित शर्मा को बतौर ओपनर आजमाया जाएगा, उन्हें मौके दिए जाएंगे। लगातार कभी कभी रोहित शर्मा अलग अलग मौक़ों पर इस बात को इनडायरेक्टली वो जाहिर भी करते रहे कि उन्हें ओपनिंग करने में मज़ा आता है, यानी वो पैड पहनकर सीधे बल्लेबाजी के लिए उतरना चाहते हैं। रोहित शर्मा को मौका दिया गया और रोहित शर्मा ने पहले ही मौके में ज़बरदस्त तरीके से ओपनर के तौर पर टेस्ट क्रिकेट मैच में शुरुआत की है। 176 रन की शानदार पारी, मयंक अग्रवाल के साथ 300 रन की ज़्यादा साझेदारी। और आपको बताएं कि भारत की ओर से 300 से ज़्यादा रन की साझेदारी बतौर ओपनर जोड़ी ये तीसरी साझेदारी है। इससे पहले विनोद मांकड़ और पंकज रॉय और साथ ही वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ ही, ये दो ऐसी जोड़ियां ही रही हैं इससे पहले जिन्होंने बतौर ओपनर 300 से ज़्यादा रन की साझेदारी की है। अब मयंक अग्रवाल और रोहित शर्मा ने, खैर लेकिन जो सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी तस्वीर इस साझेदारी के ऊपर ये कि एक तो रोहित शर्मा बतौर ओपनर टेस्ट में पास हो गए, यानी ओपनिंग के टेस्ट में वो पास हो गए, और साथ ही जब वो ड्रेसिंग रूम वापस लौटे तो विराट कोहली ने शानदार तरीके से उनका स्वागत किया, उनके लिए उठकर ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खोला, ड्रेसिंग रूम के दरवाजे को बंद भी किया, रोहित शर्मा की पीठ पर हाथ भी थपथपाई और उन्हें इस शानदार पारी के लिए शाबाशी दी और शुभकामनाएं भी दी। यानी ये तस्वीरें इस बात को पुष्ट करती हैं कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज़ वेल है ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच में। चलिए फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खेल जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स के लिए आप लगातार इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पर आते रहिए।